हेलो एवरीवन लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन में हमने बहुत कुछ सीख चुके हैं दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर हमने डिसाइड किया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है यही नहीं हमने ये भी डिसाइड किया और डिस्कशन किया कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग सम रूल्स फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है फिर आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय टू मेथड दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर रहेगा अब आगे हम लोग जो आज डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे आज का डिस्कशन में हम लोग क्या रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अब अगर बात करते हैं बच्चे की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है तो ये भी हमको समझ में आ जाएगा बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूंगा बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन का कंटिन्यूएशन जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आगे जाके डिस्कशन करते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैलवनिक सेल जिसे हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज समथिंग वेयर वी कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी और गैलवनिक सेल होता है जहां पर हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं अब बेसिक सा हमारे मन में कॉन्सेप्ट रहता है बैट्रो कि इलेक्ट्रोड का अगर बात करेंगे तो कैथोड को चार्ज होता है कैथोड को चार्ज होता है निगेटिव सिंस इट अट्रैक्ट एनोड को चार्ज होता है पॉजिटिव सिंस इट अनायन। लेकिन अगर हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे बच्चों जब सेल में जाएंगे तो यही चेंज हो जाता है मतलब जिस कैथोड को आपने सोचा था निगेटिव वो हो जाएगा पॉजिटिव और जिस एनोड को आपने सोचा था पॉजिटिव वो हो जाएगा निगेटिव क्लियर बच्चों तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड का अगर बात करते हो तो इसके दो पार्ट होते हैं दैट इज कैथोड एंड एनोड ठीक है बच्चों कैथोड और एनोड का जो चार्जेस कैसे वेरी होता है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे तो टेक अब आगे का हम लोग बात करते हैं बच्चे ओके okay. तो so, बच्चों आज का हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट होगा दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड का अगर बात करते हो तो इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट वन इज कैथोड एंड अनदर वन इज व्हाट एनोड क्लियर बच्चो तो एक क्या रहेगा हम लोग का कैथोड और एनोड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल की भाई ये कैसे कैथोड का साइन चेंज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्यों नेगेटिव होता है और हम लोग का अगर गैलवनिक सेल बोल करेंगे तो वहां पे क्यों पॉजिटिव होता है ये सब चीजें अपन डिस्कशन करेंगे तो अब देखो बच्चों अगर मैं नेक्स्ट पार्ट का बात करता हूं दैट इज सेल ठीक है सेल जो होता है इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिक सा ही मैं बताने वाला हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और अदर वन इज वॉर्ड गैलवनिक सेल और वोल्टाइक सेल ठीक है गैल्वेनिक सेल रहेगा और क्या रहेगा हम लोग का वोल्टाइक सेल ठीक है तो हमारे सेल दो टाइप के रहेंगे एक रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक रहेगा हम लोग का गैल्वेनिक सेल अगर बात करता हूं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल का तो यहां पे क्या रहता है इन दिस सेल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इंटू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी और अगर मैं गैल्वनिक सेल का बात करता हूं बच्चों तो गैल्वनिक सेल में हम लोग का सिंपल सा बात है हम लोग बैटरी लेते हैं बैटरी से बाकी सब प्रोसेस करते सॉरी इन गैलवनिक सेल हम लोग क्या होता है देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट इन दिस सेल इन दिस सेल इन दिस सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है बच्चों तो यहां पे अगर आप बात करते हो तो हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं क्लियर है तो हमारे पास दो सेल होते हैं बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैलवनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बात करते हो तो इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी मतलब हमारा बैटरी का सोर्स रहता है जिससे सब प्रोसेस होता है और अगर आप गैल्वनिक सेल का बात करोगे तो गैलवनिक और वोल्टाइक सेल में हम लोग अगर बात करेंगे तो इन दिस सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ये सब सेल में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ठीक है तो अब हम लोग पहले कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बच्चों तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है बात है, सबको पता है वन इज वॉट कैथोड एंड वन इज एनोड ठीक है अब इसका देखते हैं चार्जेस वगैरह कैसे डिसाइड होता है बच्चों तो यहां पे क्या लिया मैंने एक बीकर लिया और बीकर में क्या हो गया मेरे पास दो इलेक्ट्रोड मैंने इमर्स किया ठीक है दो इलेक्ट्रोड इमर्स किया अगर आप देखोगे तो दोनों इलेक्ट्रोड सेम बीकर में मैंने इमर्स किया हुआ है ओके दोनों क्या किया मैंने सेम बीकर में इमर्स किया हुआ है ओके तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैटरी ओके तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा लेफ्ट में तो जनरली हमारा लेफ्ट में क्या होता है एनोड और यहां पे क्या होता है कैथोड तो एनोड को चार्ज होता है पॉजिटिव क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू तो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और अगर मैं कैथोड का बात करता हूं तो इसको रहता है निगेटिव बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्लियर है यही नहीं बच्चे अगर मैं यहां पे सोल्यूशन का बात करूंगा तो समझो मैंने यहां पे ले लिया मोल्टन एन ले लिया क्या ले लिया मैंने मोल्टन एन ले लिया तो अगर इसके अंदर मैंने मोल्टन एन लिया बच्चा तो मोल्टन एन में क्या हो जाता है हम लोग का एन विल डिसोसिएट इन टू पार्ट NaCl विल डिसोसिएट इन टू पार्ट Cl माइनस ठीक है एन ए प्लस सीएल माइनस अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हो तो एन ए को क्या है पॉजिटिव चार्ज अगर आप पॉजिटिव चार्ज का बात करते हो तो ए कहां पे जाएगा एट कैथोड ठीक है और Cl माइनस का बात करते हो तो ए कहां पे जाएगा एट एनोड ठीक है At anode. अब देखो दूसरा चीज अगर हम लोग देंगे तो सर थोड़ी देर पहले आपने बोला कि इसको चार्ज रहता। अब देखो भाई मैंने आपको क्या बोला था पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, है वाइज वेरी करेगा मतलब अगर तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो मेरा पे कभी भी क्या हो जाता है अनायन जाता है तो एनोड को चार्ज क्या रहेगा पॉजिटिव और कैथोड पे कभी भी कटाया जाता है इसलिए उसको चार्ज क्या रहेगा निगेटिव लेकिन वहीं पे अगर मैं गैल्वेनिक सेल का बात करता हूं तो उल्टा रहेगा मतलब एनोड को जो चार्ज रहेगा वो रहेगा हमारा निगेटिव और कैथोड को जो चार्ज रहेगा वो रहेगा हमारा पॉजिटिव लेकिन बच्चों सेल वाइज वेरिएशन है लेकिन फिर भी दोनों में एक कॉमन है आप एनोड चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का लो चाहे गैलवनिक सेल का लो एक चीज कॉमन है कि एट कैथोड एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस और अगर मैं एनोड का बात करूंगा तो एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस तो कैथोड पे क्या होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है एनोड पे कभी भी क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट वे से देखना है एंड दिस इज द गुरु हैक ऑफ दिस टॉपिक इस पार्ट का ये गुरु हैक है जो पहले गुरु मंत्रा हुआ करता था अभी वो गुरु है, है because now we are okay, everyone? <coughs> तो अब आगे चलते हम लोग तो कैथोड का क्या हो गया एट कैथोड रिडक्शन टेक्सप्रेस एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्सप्रेस तो अब देखो बच्चों अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो आपका एथोड पर क्या होता है और एक और चीज ध्यान में रखना बच्चे की एनोड कैथोड को आप याद कैसे रखोगे सर कैसे मेरे याद रहेगा कि यहां पे रिडक्शन ही होगा तो यू शुड रिमेंबर इट एज वॉट यू शुड रिमेंबर इट एज वॉट इसको याद करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा रेड कैट लाल बिल्ली रेड कैट लाल बिल्ली मतलब कैथोड पे कभी भी क्या होगा रिडक्शन होगा और अगर मैं आप बात करता हूं एनोड का तो एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस तो इसको आप लिखोगे एन ऑक्सी ठीक है इसको क्या याद रखोगे बच्चे एन ऑक्सी तो इलेक्ट्रोड के हमारे दो पार्ट है कैथोड एंड एन एनोड कैथोड में क्या होता है एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एनोड पे क्या होता है एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस तो कैथोड क्या हो जाएगा रेड कैट एनोड क्या हो जाएगा एन ऑक्सी एवरी तो ये सब चीजें हमें ध्यान में पे रखना रहेगा एक सिंपल सा टेक्निक जो मैंने दिया है उसको याद रखो अब देखो बच्चों अगर मैं बात करता हूं एट कैथोड तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि कैथोड पे क्या होता है हम लोग का रिडक्शन होता है तो रिडक्शन अगर बात करोगे बच्चों तो कैथोड पे कौन गया है Na प्लस जाएगा कि Cl माइनस जाएगा तो आप सबको पता है कि यहां पे क्या जाएगा Na प्लस इधर पे जाएगा Cl माइनस इधर पे जाएगा ठीक है तो रिडक्शन हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू सोडियम सॉलिस्टेट ठीक है और एट एनोड अगर बात करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाता है बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां पे सीएल माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये हो जाएगा सी प्लस इलेक्ट्रॉन बट बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि सी माइनस को क्या होता है हमेशा टू फॉर्म में होता है तो ये टू सी एल माइनस गिव यू व्हाट एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन सीएल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन तो ये चीज हमको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा और यहां पे टू एन ए क्या हो जाएगा हम लोग का अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन दो है तो इधर पे भी दो इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हो जाएगा टू एन ए टू इलेक्ट्रॉन टू एन ए सॉलिड टेकेट एज इक्वेशन नंबर वन एंड टू ओके तो अब ये दोनों रिएक्शन को अगर मैं एड कर दूंगा यहां पर तो ये क्या हो जाएगा मेरा आपको पता है एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ कैथोड पे रिएक्शन था हम तो लोग क्या हो जाएगा दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपका नेट रिएक्शन का अगर बात करते हैं बच्चे नेट रिएक्शन का अगर बात करते हो तो आपका टू एन ए प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिवज यू ऑट टू एन ओके टू सी एल माइनस गिवज यू ऑट सीएल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है ये सब चीजें रहेगा अब दोनों को ऐड करोगे ठीक है जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कैंसल और ये okay, क्या हो जाएगा हम लोग का टू एन ए प्लस प्लस टू सी एल माइनस ग्यूज यू वॉट टू एन ए स्टेट प्लस सीएल टू गैश स्टेट ओके टू एन ए सॉलिस्टेट प्लस सीएल टू क्या हो जाएगा हम लोग का गैशिय स्टेट तो ये सब चीजें आपको ध्यान में यहां पे रखना है बच्चे तो अगर आपको याद रहेगा तो ए क्या हो रहा था हमारा रिडक्शन और ए हो रहा है ऑक्सीडेशन तो इस हिसाब से आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा ए रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है एट द सेम टाइम अगर नोटिस करने वाली बात बच्चे बोलेंगे तो यहां पे देखिए आपका पहले क्या था NaCl था अब क्या हो गया सोडियम सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन गैसीय स्टेट में मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता हूं यहां पे तो इधर पे क्या हो जाएगा बहुत सारा ऐसे गैस बनेगा एक्चुअली ग्रीन कलर का होता है गैस बट फिलहाल ठीक है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे बबल्स फॉर्म होंगे और अगर मैं बात करता हूं सोडियम का तो सोडियम क्या हो जाएगा इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट होते जाएगा ठीक है ऐसे डिपोजिट क्योंकि वो क्या हो रहा है आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते जा रहा है ना तो ऐसे हम लोग का डिपोजिट होते जाएगा क्लियर है एवरीवन तो आई होप सबको इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझा रहेगा अब यहां पे अगर आप बात करते हो तो कैथोड का तो कैथोड बच्चा क्या होता है इट इज निगेटिवली चार्ज वाय निगेटिवली चार्ज सिंस इट इज कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ द बैटरी और अगर मैं बात करता हूं एनॉइड का तो एनॉइड क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा ठीक है तो यह क्या रहेगा हम लोग का इट इज पॉजिटिवली चार्ज इसका डेफिनेशन एकदम सॉर्टेड है क्या रहेगा पॉजिटिवली चार्ज सिंस इट इज कनेक्टेड टू इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो ये सब चीजें आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा तो एकदम इजी है वापस एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज द सेल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी जैसा कि आपने देखा बच्चे पहले का आपने मोल्टन सॉल्ट लिया है जो मोल्टन मतलब होता है पिघलाया हुआ है उसको फ्यू स्टेट भी बोलते हैं आपने मोल्टन एन लिया है फिर जब आप इलेक्ट्रोलिस करते हो तो क्या हो जाता है एन ए सी एल डिसोसिएट होके डिसोट मतलब ब्रेक होना ब्रेक होके क्या दे देता है एन ए प्लस एनसीएल माइनस एन अब एन ए प्लस क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव मतलब कटायन कटायन किधर जाएगा कैथोड पे और कैथोड पे अगर जाएगा तो इट इज गोइंग टू डू रिडक्शन क्योंकि मैंने बताया है कैथोड क्या होता रेड कैट क्लियर है रेड कैट मीन वॉट रिडक्शन प्लेस और एनोड क्या होता है हम लोग का एनोक्सी मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन जाएगा तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा देर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सीएल माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट वॉट सीएल टू एवरीवन तो ये सब चीजें आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा सी एल टू फॉर्म में हो जाएगा और अपना काम हो जाएगा और नेट रिएक्शन में यू कैन सी कि जो आपका था एन ए सी एल अब वो क्या हो जाएगा एन ए सॉलिड सी एल टू गैस क्लियर एवरी इसके बारे में हमें इतना ही डिस्कशन करना है क्योंकि मेन जो हमारा डिस्कशन है वो है नेक्स्ट पार्ट में दैट इज गैल्वेनिक सेल ठीक है तो अब देखिए बच्चे गैलवनिक सेल और इसको ही हम लोग बोलते हैं वोल्टाइक सेल ठीक है गैल्वनिक सेल और वोल्टाइक सेल तो वोल्टाइक सेल के आपके बारे में पता है बच्चे क्या रहेगा द सेल इन विच विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब अच्छा जो भी हम लोग यूज करते हैं सेल जैसे आपने यूज किया रहेगा मोबाइल का बैटरी होगा जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं टॉर्च में बैटरी यूज होता है वॉच में बैटरी यूज होता है तो सब चीजें जो होता है वोल्टाइक सेल के अंडर आएगा यही नहीं जो बाइक वगैरह में होता है लेट स्टोरेज वगैरह बैटरी ये सब वोल्टाइक में आएगा जो हम लोग इन डिटेल ट्वेल्थ में करने वाले हैं फिलहाल अगर मैं बात करूंगा वोल्टाइक सेल का तो उसमें हम लोग एक ही चीज करने वाले हैं जो कि बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ठीक है तो अब बच्चों, अगर इसमें मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोड का तो इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि आपका एक होता है एनोड और एक होगा कैथोड तो यहां पे क्या हो जाता है बच्चा कि एनोड को कभी भी चार्ज जो रहेगा एनोड जो चार्ज रहेगा इसको कभी भी रहेगा चार्ज निगेटिव और कैथोड जो रहेगा उसको चार्ज रहेगा पॉजिटिव ठीक है अब एक कैसे निगेटिव और कैसे पॉजिटिव होता है यही इस पार्ट में हम लोग प्रूव करने वाले हैं क्लियर है वन ओके तो चलिए गैल्वेनिक सेल में हम लोग जो डिस्कशन रहेगा वो हमारा रहेगा डेनियल सेल का ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे ठीक है तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों डेनियल सेल का तो डेनियल सेल में क्या हो जाएगा जैसे अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सब चीजें एक ही बिकर में हो रहा था यहां पे क्या रहेगा हम लोग दो बीकर लेंगे ठीक है दो बीकर लेंगे ठीक है यहां पे क्या लेंगे दो बीकर लेंगे ठीक है अब क्या हो जाएगा इस बीकर में हम लोग लेंगे एनोड आपको हमेशा याद रखना है बच्चे कि लेफ़्ट में क्या होता है एनोड होता है ठीक है इसको ऐसा थोड़ा सा कलर कर रहा हूँ ऐसा कलर करने के पीछे रीज़न है बच्चे क्योंकि जो हम लोग आगे आपको समझेगा क्यों मैं ऐसे ही कलर कर रहा हूँ अदरवाइज डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते थे ऐसे फ्रैक्शन में क्यों कर रहे हैं क्योंकि तो ये सब चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस है बच्चे जो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है तो ऐसे डार्क करेंगे हम लोग ओके okay. तो ऐसे आपको करना रहेगा फिलहाल आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं बच्चे अदरवाइज आप डायरेक्टली भी बना सकते हो कोई इशू नहीं है ठीक है तो ये ए जो रहेगा हम लोग का यहाँ पे और यहां पे जो रहेगा बच्चे एक इलेक्ट्रोड रहेगा इसको मैं ब्लैंक बना रहा हूं इस पे क्योंकि ये समझिए इसके ऊपर कुछ लेयर आने वाली है ऐसा सोच के चलते हैं ठीक है तो अब अगर मैं इस पार्ट का बात करूंगा तो ये जो रहेगा मेरा जिंक का एनोड है और इसके अंदर जो सल्यूशन है ठीक है वो सोल्यूशन पकड़ लीजिए आपका जो है जेड एन एसओ फोर ठीक है तो इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो क्या है जेड एन एसओ फोर ठीक है अब यहां पे अगर मैं दूसरे तरफ बात करूंगा बच्चों तो यहां पे क्या रहेगा इट इज कॉपर एंड जो सोल्यूशन है यहां पे वो है हमारा सी यू एसओ फोर ठीक है अब ये दोनों चीज जो रहेगा एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का एक पोटेंशियोमीटर आएगा जो रीडिंग लेने के लिए है यहां पे ठीक है कि कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो सब चीजें के लिए और यहां पे जो हमारा सोल्यूशन है वो है क्या सी फोर क्लियर है बच्चों अब मेन काम यहां पे शुरू होता है कि कैसे है बच्चे कि ये देखिए आपका लेफ्ट में है तो मैंने बोला था एनोड और राइट में है तो कैथोड ठीक है लेफ्ट में है तो एनोड और राइट में है तो कैथोड और आज के लिए देखिए आपका एक और गुरु हैक देता हूं गुरु हैक क्या रहेगा है बच्चा कि अगर समझो आपके पास दो स्पीसीज है ठीक है दो स्पीसी में है और एक को चार्ज कम है एक को चार्ज ज्यादा है तो कभी भी लोवेस्ट वाला जो रहेगा लोवेस्ट वाला रहेगा वो हमारा जाएगा ऑक्सीडेशन में और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो जाएगा रिडक्शन में ठीक है तो आपका पहला गुरु है क्या द एटम और आयन विथ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर अंडर गो ऑक्सीडेशन ठीक है जैसे अभी लेते हो बच्चों आयोडीन लेते हो आई माइनस और आई टू तो दोनों में से ऑक्सीडेशन में कौन सा जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला जाएगा राइट एवरी वन और दूसरा अगर गुरु है का बात करते हैं तो द एटम और आयन विथ हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर विथ हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अंडर गो रिडक्शन हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अंडर गो रिडक्शन जैसे बच्चे मैंने यहां पर ले लिया एन ए प्लस एन एन ए तो अब अगर आपको पता रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए प्लस वन है इसका क्या है जीरो है तो इट विल अंडर गो वॉर्ड रिडक्शन ठीक है तो ये चीजें हमें ध्यान में यहां पे रखना रहेगा क्लियर है एवरी तो क्या रहेगा गुरु है हमारा द एटम और आयन विथ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अंडर गो ऑक्सीडेशन और जिसका देखिए अभी यहां पे वापस से मैं अंडरलाइन कर देता हूं जिसका लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो कभी भी ऑक्सीडेशन में जाएगा और जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो कभी भी कहा जाएगा रिडक्शन क्लियर एवरी वन तो ये सब चीजें अपने को समझ के चलना रहेगा ठीक है तो अब देखो बच्चों अगर मैं जेड एन एसओ फोर का बात करता हूं तो इट विल डिसोसिएट इन टू वॉट जेड एन प्लस टू एन एसओ फोर माइनस टू जेड एन प्लस टू एन एसओ फोर माइनस टू तो अब देखिए सल्फेट तो कुछ काम का नहीं है बिकॉज वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको समझ जाएगा फिलहाल के लिए अगर आप देखते हो जेड एन एन जेड एन प्लस टू ठीक है जेड एन एंड जेड एन प्लस टू देखते हो और ये आपका एनोड है आपको पता है कि एनोड क्या होता है बच्चे एन ऑक्सी मतलब एनोड पे कभी भी क्या होता है ऑक्सीडेशन तो आपके पास जेड एन है एंड जेड एन प्लस टू है आपके पास क्या है बच्चे जेड एन है और जेड एन प्लस टू है तो दोनों में से ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा गुरु हैक देखते हैं गुरु हैक में मैंने क्या बोला है और आयन विथ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो ZN का अगर ऑक्सीडेशन नंबर का तो बच्चों जीरो होता है जेड एन प्लस टू का ऑक्सीडेशन का बात करते हो तो टू होता है तो कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा जिंक तो अगर मैं बात करूंगा एट यहां पर रिएक्शन अगर हम लोग बात करते हैं तो एट

ठीक है अब जेड एन प्लस टू जब सोल्यूशन में जा रहा है तो वॉट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का क्या तो ऑब्वियस बात है बच्चे इलेक्ट्रॉन हमारा सोल्यूशन में तो जा नहीं सकता तो क्या करेगा अब प्लेट पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज क्या हो जाएगा निगेटिव 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 निगेट पूरा गर्दी मचा देगा यहां पे इलेक्ट्रॉन 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 और अभी देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन को चार्ज क्या है निगेटिव तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का निगेटिव इलेक्ट्रॉन को चार्ज क्या है निगेटिव तो उसको चार्ज क्या हो जाएगा निगेटिव इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई गैल्वनिक सेल में एनोड कभी भी क्या होता है निगेटिवली चार्ज होता है एनोड क्या होता है आपका निगेटिवली चार्ज होता है इस चीज को हमें समझ के चलना रहे ियर एवरी वन अब ए इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ट्रेवल करके इस साइड आएगा ठीक है यहां पे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा क्यों क्योंकि यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कैथोड पे आपको पता है कैथोड क्या होता है रेड कैट रेड कैट मतलब क्या होता है बच्चे रिडक्शन होता है रिडक्शन के लिए उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे देखिए इसको भी अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सीयू प्लस टू एन एसओ माइनस टू ठीक है तो अब कैथोड पे क्या होना है रिडक्शन तो आपके पास सीयू प्लस टू एन सीयू है तो कौन रिडक्शन में जाएगा अगेन लेट्स कम टू द गुरु है गुरु में मैंने क्या बोला जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा वो रिडक्शन में जाएगा तो अगर आप बच्चों देखते हो कॉपर एंड सीयू प्लस टू तो सीयू को चार्ज क्या है जीरो सीयू प्लस टू को चार्ज क्या है प्लस टू तो ये क्या करेगा भाई इलेक्ट्रॉन लेगा ये क्या लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट है तो अब क्या हो जाएगा जो सी यू प्लस टू है सी यू प्लस टू है बड़ा तूफानी है यह सीयू प्लस टू क्या करेगा ये प्लेट को पूरा घेर लेगा ठीक है सीयू प्लस टू क्या करेगा पूरा प्लेट का घेर लेगा यहां पर सीयू प्लस टू सी यू प्लस पूरे प्लेट पे सीयू प्लस टू सी यू प्लस टू सी यू प्लस टू आ गए और सीयू प्लस टू क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन आएगा और मैं कॉपर बन जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आएगा और मैं कॉपर बन जाएगा तो यहां पे रिएक्शन अगर बात करता हूं बच्चों तो सीयू प्लस टू विल गेन टू इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इन टू कॉपर में क्लियर है अब अगर ध्यान देते हो तो पूरे प्लेट पे क्या हो गया पॉजिटिव 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 हो गया पूरे प्लेट पे क्या हो गया पॉजिटिव 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 हो गया इसलिए मेरे बच्चों कैथोड होता है यहां पे पॉजिटिवली चार्ज क्लियर है अगर आप ध्यान दे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है और आपको पता है कि जब वायर में से इलेक्ट्रॉन पास होगा या फिर फ्लो होगा तो कंडक्टिविटी डेवलप होती है और यहां पर करंट का प्रोडक्शन चालू हो जाता है यहां पे क्या हो जाता है करंट का प्रोडक्शन चालू हो जाता है अब दूसरा अगर नोटिस करने वाली बात करेंगे तो अब बेस ये बात है बच्चे कि प्लस टू सोल्यूशन में जाएगा तो Zn एन प्लस टू सोल्यूशन में जाएगा तो तो छोड़ रहा है, सेम क्या हो जाएगा आपका डीके ऐसे, 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 हो जाएगा क्लियर एवरी वन तो आपका जो एनोड रहेगा ठीक है तो ये क्या बन जाएगा बिकम थिनर बिकम थिनर धीरे 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 क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा वहीं पे अगर मैं बात करता हूं कैथोड का तो कैथोड पे बच्चे ऐसा धीरे 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 क्या हो जाएगा कॉपर का डेपोजिशन हो जाएगा तो कैथोड क्या हो जाएगा हमारा थिकर कैथोड बिकम्स थिकर ठीक है ये चीजें ध्यान में रखना है अब बच्चों क्या हो जाता है इलेक्ट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड लाइक अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिटी जब भी यहां पे चार्जेस वगैरह होते हैं तो सब चार्ज बैलेंस होने चाहिए लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप सोल्यूशन में देखते हो तो आपका जेड एन प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ठीक है लेकिन एसओ फोर माइनस टू का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ठीक है जेड एन प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एसओ फोर माइनस टू का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है हम लोग का डिक्रीज हो रहा है वहीं पे अगर यहां पे देखोगे तो सी यू प्लस टू डिपोजिट हो जा रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा डिक्रीज हो रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि चार्जेस अगर इंक्रीज डिक्रीज ऐसे होने लगे तो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है प्रोसेस स्टॉप हो जाता है अब जब प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगा तो करंट ही नहीं प्रोड्यूस होगा ठीक है फिर इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग ने सोचा यार क्या किया क्या किया जाए तो उसी वक्त डिस्कवरी हुई सॉल्ट ब्रिज की सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इट्स अ यू शेप ट्यूब ठीक है सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इट्स अ यू ट्यूब ठीक है अब ए क्या होता है सॉल्ट ब्रिज क्या होता है यूशेप ट्यूब तो इसको मैं थोड़ा जगह यहां पे कम है तो यहां पे लिख लेता हूं बच्चों देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या हो जाता है इट्स अब ट्यूब यूशेफ ट्यूब व्हाइट कलर लेते हैं ट्यूब कंटेनिंग 5% परसेंट अगार एंड सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्ट लाइक केसीएल अमोनियम नाइट्रेट ठीक है बच्चों तो ये क्या हो जाता है आपका कि अगर आप बात करते हो सॉल्ट ब्रिज का तो एक U-शेप ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या होता है अगार होता है सेचुरेटेड सॉल्ट होता है ठीक है अब अगार का देखिए बच्चे अगार का अगर आप बात करते हो तो अगार क्या होता है इट्स लाइक जेल लाइक मटेरियल जो कि क्या कहते हैं उस सोल्ट को होल्ड करके रखता है नीचे गिरने नहीं देता है उसके अंदर सॉल्ट रहेंगे क्लियर है तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा ये सब सॉल्ट रहेंगे देन सेकेंड क्या हो जाएगा इट रिलीजेज रिलीजेज द आयंस इन द बोथ कंपोनेंट इन द बोथ कंपोनेंट ठीक है इट रिलीजेस द आयन इन द बोथ कंपोनेंट इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्जेस इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्जेस ठीक है और थर्ड क्या, क्या होता है इसका स्पेशलिटी क्या होता है आयंस रिलीज फ्रॉम द सोल्ट ब्रिज बहुत स्पेशल पॉइंट है सॉल्ट ब्रिज आर नाइदर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन आर नाइदर अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन अंडर गोइंग oxidation nor reduction neither undergoing oxidation nor reduction at the same time they are also they are also not reacting with any of the component not reacting with any ऑफ द कंपोनेंट एनी ऑफ द कंपोनेंट ठीक है दे आर नॉट रिएक्टिंग विथ एनी ऑफ द कंपोनेंट ठीक है तो ये इसकी स्पेशलिटी रहेगी तो अब देखो बच्चों कैसे होगा अब अगर आप ध्यान देते हो तो यहां पे देखिए कैसा सॉल्ट ब्रिज हो गया इसके अंदर सॉल्ट हो गया मैंने चलो सॉल्ट ले लिया कौन सा ले लिया केसीएल ठीक है अब अगर आप देखते हो बच्चों तो एनोड साइड में आपका निगेटिव चार्ज कम है तो ये भाई क्या करेगा इधर पे निगेटिव चार्ज रिलीज करेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो इधर पे क्या करेगा के प्लस रिलीज करेगा ठीक है जिसके वजह से क्या हो जाता है ये जो Zn एन प्लस टू है इट विल गेट बैलेंस बाय सल्फेट आयन एंड Cl एल माइनस ठीक है तो दोनों मिलके क्या कर देंगे उसको बैलेंस कर देंगे ठीक है अब अगर यहां पे बात करते हो तो ये जो सी यू प्लस टू है बेचारा बैलेंस नहीं कर पा रहा था सल्फेट आयन को तो ये क्या करेगा इट विल टेक हेल्प ऑफ के प्लस और दोनों मिलके क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे क्लियर एवरी वन तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा चार्जेस भी बैलेंस हो जाएगा और जैसा आपको पता है कि सॉल्ट ब्रिज की स्पेशलिटी क्या होता है इट इज नाइदर रिएक्टिंग विथ एनी ऑफ द कंपोनेंट और ये तो ना तो ऑक्सीडेशन में जाएगा ना रिडक्शन मतलब ये नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट होता है ठीक है नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट कुछ टेंशन भी नहीं और चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे और हमारा प्रोसेस चलते रहेगा और हमारा करंट का प्रोडक्शन भी होते रहेगा क्लियर तो आई होप सबको समझा रहेगा वर्किंग ऑफ डैनियल सेल तो सिंपल सा बच्चे सेट है कि आपने दो बीकर लिया है द बीकर कंटेनिंग वन इज कंटेनिंग एंड जिंक इलेक्ट्रोड इज इज इन टू इट एक्टिंग एज एनोड दूसरा बीकर लिया हमने है जिसमें सी यू एसओ फोर है कॉपर इलेक्ट्रोड है विच इज एक्टिंग एज अ कैथोड फिर दोनों इलेक्ट्रोड को हमने वायर से कनेक्ट किया है थ्रू द पोटेंशियम मीटर जिससे हमको समझ में आएगा कि भाई कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है फिर बात आती है कि भाई एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमारा जिंक ऑक्सीडेशन में जाएगा जेड एन प्लस टू में रिलीज करेगा जिसके वजह से क्या हो जाता है कि वो इलेक्ट्रोड भी धीरे धीरे थिन होने लगता है ठीक है अब इलेक्ट्रॉन यहां से उस साइड जाएगा तो कैथोड पे क्या हो जाएगा हम लोग का रिडक्शन हो जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो हो जाएगा हमारा थिकर क्लियर है तो एनोड हो गया हम लोग का थीन और कैथोड हो गया थिकर फिर आप क्या करोगे सॉल्ट ब्रिज यूज करोगे सॉल्ट ब्रिज क्या करता है दोनों तरफ का चार्जेस बैलेंस करता है सबसे अहम रोल है सोल्ट ब्रिज का ठीक है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए समझा है, अब आगे जाते हैं ओके okay, बच्चों तो अभी आगे जो हम लोग का डिस्कशन रहेगा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्योंकि हम लोग आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह सीखने वाले हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर बच्चे बात करते हैं तो ये होता क्या है देखिए आपने देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक बीकर लिया था जैसे भी मैं ले लेता हूं कोई भी बीकर आपका एक एनोड वाला पार्ट ही चलिए ले, ले लेते हैं ठीक है और यहां पे क्या हो गया आपके पास एक प्लेट था ठीक है प्लेट पे आपके इलेक्ट्रॉन 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 प्रेजेंट था थोड़ा गंदा प्लेट बन गया है <coughs> ओके तो चलिए देखते हैं अब मैंने क्या किया एक बीकर लिया बेटा ठीक है एंड इसमें क्या किया मैंने एक इलेक्ट्रोड इमर्स कर दिया ठीक है अब इलेक्ट्रोड अगर इमर्स कर दोगे कोई भी आप ले सकते हो एनोड कैथोड सपोज मैंने यहाँ पे एनोड ले लिया ठीक है तो अब क्या हो जाता है यहाँ पे प्लेट पे चार्ज क्या है जाएगा हमारा पॉजिटिव 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 क्लियर है एवरीवन पे भी हो गया पॉजिटिव पे भी हो गया पॉजिटिव ठीक है अब क्या हो जाता है कि अगर आप देखते हो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में डिफरेंस के वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर आप बात करते हो तो बच्चों आर टू टाइप्स ठीक है एक हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल ठीक है और एक हो जाएगा हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक हो जाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो यह ध्यान में क्या रखना रहेगा इट इज असोसिएटेड विथ असोसिएटेड विथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो आप अभी समझ सकते हो कि इट इज रिलेटेड टू वॉट तो डेफिनेटली बच्चे ये, e ये e e? क्योंकि एनोड क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है ठीक है ध्यान में यहां पे रखना रहेगा क्लियर बच्चों अब दूसरा अगर बात करते हो रिडक्शन पोटेंशियल तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा इट इज एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड विथ रिडक्शन पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है इट इज एसोसिएटेड विथ वॉट रिडक्शन पोटेंशियल और अगर आप रिडक्शन का बात करते हो तो आपको सबको पता है कि इट इज रिलेटेड टू वॉट यहां पे बार बार जीरो आ जा रहा है जो कि हम लोग का एक्चुअली स्टैंडर्ड में लिखेंगे हम लोग मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं बट फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में तो ये जो रहेगा अगर आप ई e, रिडक्शन का बात करते हो, इट इज ऑकरिंग एट वॉट ई इट इज ऑकरिंग एट वॉट ई कैथोड कैथोड ठीक है और अगर यही सब इफ द पोटेंशियल्स आर पोटेंशियल्स आर मेजर्ड अंडर ठीक है इफ द पोटेंशियल्स आर मेजर्ड अंडर ठीक है स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर दैट इज मोस्टली हम लोग लेते हैं जीरो डिग्री भी बोलते हैं बोर्ड दे ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर वन एटीएम वन एटीएम तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलते हैं बच्चे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है Standard, तो अब देखिए अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चे ध्यान में रखना रहेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बात करता हूं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ऑक्सी ठीक है और अगर मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ठीक है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई जीरो रिडक्शन ठीक है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको हम लोग ई जीरो ऑक्सीडेशन और ई जीरो रिडक्शन के हिसाब से हम लोग मेजर करेंगे क्लियर बच्चों क्योंकि हम लोग हमेशा रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं। अब देखिए बच्चा अगर आगे का बात करता हूं तो मेरे पास आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो कि वैल्यूज़ दी रहेगी कि भाई कितना टेंडेंसी है किसी भी चीज का रिडक्शन में जाने का कितना भी टेंडेंसी है कितना ऑक्सीडेशन में जाने का ठीक है तो अब यहां पे ध्यान में क्या रखना रहेगा बच्चे नोट पॉइंट जो है ठीक है तो इसको भी ध्यान में रखोगे तो यहां पे क्या रहेगा इट या इट्स वैल्यू शोज द टेंडेंसी टेंडेंसी टू अंडरगो अंडरगो ऑक्सीडेशन ओके एंड एक आ रहता है इट्स वैल्यू शोज द टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन अंडर गो रिडक्शन ठीक है बच्चों अब इसका सिंपल सी बात है बच्चे कि हाई द वैल्यू ऑफ ई जीरो हाइयर द वैल्यू ऑफ ई जीरो रिडक्शन मोर इज द ऑक्सीडेशन इज द सॉरी मोर इज द रिडक्शन ठीक है मोर इज द रिडक्शन मतलब मोर इज द टेंडेंसी टू अंडर गो रिडक्शन एंड स्ट्रांगर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है स्ट्रांगर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है देन लो वैल्यू जीरो रिडक्शन ठीक है लो जीरो वैल्यू रिडक्शन मतलब क्या रहेगा आपका यहां पे हाई वैल्यू ओके लो वैल्यू ऑफ ई जीरो रिडक्शन मींस लेस टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन सॉरी लो वैल्यू ऑफ ई जीरो रिडक्शन मींस व्हाट लेस टेंडेंसी टू अंडरगो गो रिडक्शन लेस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन ओके दैट इज अगर लेस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन रहेगा तो क्या रहेगा मोर टेंडेंसी मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और अगर मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चे तो ये क्या रहेगा हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना रहेगा तो इसको ही यूज करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया जिसमें आप वैल्यू देख आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा और कौन रिडक्शन में जाएगा ठीक है बच्चों तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में यहां पे रखना रहेगा एज यू कैन सी हियर अभी देखो टेबल दिया हुआ है और ये जो पोटेंशियल दिया बेटा ये जो पोटेंशियल है ये सब पोटेंशियल ये जो पोटेंशियल दिया है ठीक है ये जो वैल्यूज दी हैं ये जो वैल्यूज दी हैं ये वैल्यू है, है आपका E0 रिडक्शन तो हम लोग का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको हम लोग बोलते हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक है तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चे बनाया हुआ है इट इज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इट इज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन तो अगर आप एकदम टॉप लेवल पर देखते हो तो आपको क्या दिखेगा एकदम टॉप लेवल पर देखते हो तो आपको दिखेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का ई जीरो वैल्यू बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन का ई जीरो वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब क्या रहेगा है? फ्लोरीन हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू अंडर गो रिडक्शन इसलिए हम लोग फ्लोरीन को बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्लोरीन को स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है स्ट्रॉगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगर आप चार्ट के निचले वाले हिस्से में आते हो ठीक है निचले वाले हिस्से में आते हो तो आपको लिखेगा लिथियम लिथियम का जो है सबसे लोवेस्ट वैल्यू है लोवेस्ट वैल्यू है तो ये क्या रहेगा इसका रिडक्शन में जाने का टेंडेंसी बहुत ही कम है रिडक्शन में टेंडेंसी अगर जाने का कम है तो ऑब्वियस बेसी बात है ऑक्सीडेशन में जाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहेगा तो इस हिसाब से अगर देखता हूं इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मेरा लिथियम जो रहेगा ये क्या रहेगा स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना रहेगा ठीक है ये सब चीजें जो टेबल आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा है? जैसे भी यहाँ पे देखो एफ फी प्लस थ्री एफ फी प्लस टू पर फॉर्म होता है इसका वैल्यू दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल एट द सेम टाइम बच्चों एक और चीज ध्यान में रखना रहेगा कि अगर बोलोगे सर ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ना तो अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालू तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एकदम सिंपल है बच्चे आपका ई जीरो ऑक्सीडेशन जो रहेगा इट इज अपोजिट ऑफ ई जीरो रिडक्शन इट इज अपोजिट ऑफ ई जीरो रिडक्शन जैसे अगर मैं लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालता हूं तो अगर लिथियम का बात करते हो तो लिथियम के लिए ई जीरो वैल्यू जीरो वैल्यू अगर बोला अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो समझना क्या है रिडक्शन पोटेंशियल है तो ई जीरो वैल्यू कितना दिया है बेटा दैट इज वॉट ई जीरो रिडक्शन इसका कितना दिया हुआ है माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव ठीक है तो अगर इसका मैं निकालता हूं ई जीरो ऑक्सीडेशन ठीक है E0 अगर मैं ऑक्सीडेशन इसका निकालता हूं तो E0 ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा अपोजिट ऑफ E0 रिडक्शन अपोजिट ऑफ E0 रिडक्शन मतलब क्या हो गया माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव मतलब क्या हो गया प्लस थ्री पॉइंट जीरो फाइव ठीक है तो आप वैल्यू देखोगे बच्चे तो आपका रिडक्शन का वैल्यू देखिए कितना छोटा था भाई निगेटिव में था लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन का देखते हो तो एकदम पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है इज वेरी हाई इसलिए तो मैंने बोला कि भाई उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब इट इज हैविंग स्ट्रॉगेस्ट टेंडेंसी टू तो अंडर ऑक्सीडेशन इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत ही प्यार से आप निकाल सकते हो बच्चों जीरो रिडक्शन एंड ई जीरो ऑक्सीडेशन का रिलेशन यूज करके क्लियर है अब ध्यान में यहां पर दो तीन चीजें ध्यान में रखना है कि पहला चीज क्या है हाई वैल्यू ऑफ ई जीरो पहला चीज क्या ध्यान में रखना है पीले में लेते हैं हाई ई जीरो वैल्यू दैट इज रिडक्शन e वैल्यू Stronger इज द रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी stronger इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट ठीक है और जैसे यहां पे हम लोग सिंपल सा देख लेते बच्चे अभी यहां पे देखिए मैंने लिख लिया -E एफ ही ले -E, -E लेते हैं हम लोग ठीक है तो एफ का अगर लेते हो तो क्या हो जा रहा है आपका ई जीरो एफ ई जीरो एफ मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है ठीक है प्लस टू पॉइंट एट सेवन ठीक है और अगर वहीं पे मैं ई जीरो ए जी लेता हूं तो इट इज वर्ड जीरो पॉइंट एट ए जी लिखता हूं तो ये क्या होता है प्लस जीरो पॉइंट एट जीरो ठीक है अब सिंपल से समझ में आता है कि भाई किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है और एजी क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट क्योंकि भाई अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वहां पे क्या रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में कंपेयर करके बोल रहा है अगर आप पीरियोडिक टेबल इज जो चार्ट के हिसाब से जाओगे तो आपका लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन दोनों में कौन है यार यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलो या फिर चलो इसको अगर मैं बात करता हूं तो इट इज व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या रहेगा हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल सी बात है हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट का नाम ही नहीं लेते क्लियर एवरीवन तो ये सब चीजें आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा अगर दो स्पीसीज दे दिया है या फिर चार पांच स्पीसीज दे दिया है और बोल दिया कि भाई अरेंज देम मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो जिसका वैल्यू हाई रहेगा वो सबसे हाइएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा फिर उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज कर देना क्लियर क्या जब पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो ऑब्वियस ऑब्बियस बात है आपका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कौन सा है बच्चा रिडक्शन पोटेंशियल तो उसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब जिसकी वैल्यू कम रहेगी कौन सी वैल्यू कम रहेगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी कम रहेगी दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर एवरी वन ये सब चीजें आपको ध्यान में यहां रखना है हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे भी ठीक है यहां पे अब अगला अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे तो देखिए बच्चों एक चीज ध्यान में रखना रहेगा कि कौन ऑक्सीडेशन में जाता है थोड़ी देर पहले आपको मैंने लिखा था जैसे भी आयोडीन है बेटा आई माइनस एन आई टू में तो अब इसमें समझ में आता है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है माइनस वन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जीरो है तो कौन जाएगा ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा रिडक्शन में माइनस वन है तो मतलब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो यह किसमें जाएगा आपका ऑक्सीडेशन में एक में जाएगा रिडक्शन में ठीक है अभी मैंने यहां पे ले लिया एफ फी प्लस थ्री ले लिया एन एफी प्लस टू ले लिया ठीक है तो अब अगर बात करते बच्चों यहां पे तो इसका क्या है आपका प्लस थ्री है तो प्लस थ्री है और एक है आपका प्लस टू है तो दोनों में से छोटा कौन सा है प्लस टू है तो प्लस टू में जाएगा ऑक्सीडेशन ठीक है और एक इसमें जाएगा रिडक्शन में ठीक है यही नहीं अभी यहां पे मैंने लिख दिया यहां पे समझो एजी लिख दिया और एजी प्लस लिख दिया तो अब आपको समझ में आता है कि एजी को चार्ज क्या रहेगा जीरो रहेगा इसको क्या रहेगा प्लस वन रहेगा तो एक इसमें जाएगा आपका ऑक्सीडेशन में और एक इसमें जाएगा रिडक्शन में ठीक है बच्चों तो अकॉर्डिंगली आपको पहले पहचानना रहेगा कौन जाएगा ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा रिडक्शन में फिर उसी हिसाब से क्या लिखने आना चाहिए आपको रिएक्शन भी बनाने आना चाहिए ठीक है जैसे बच्चे मैंने यहां पर लिख दिया आप दूसरा अलग अलग लेते हैं जैसे मैंने यहां पर ले लिया सी यू प्लस टू ठीक है सी यू प्लस टू ले लिया और एजी ले लिया अब मैं बोलता हूं कि भाई इसमें कैसा रहेगा कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा तो आपको पता चलता है कि Cu के दो फॉर्म होते हैं एक होता है प्लस टू और एक होता है Cu तो अब सी प्लस टू है तो एक इसमें जाएगा आपका कहां जाएगा भाई रिडक्शन में ये किस में जाएगा आपका ऑक्सीडेशन में ठीक है तो अगर मैं Cu के लिए रिएक्शन लिखूंगा तो Cu क्या हो जाएगा सी यू प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu, ठीक है और इसका E0 रिडक्शन वैल्यू मैं टेबल में से देख के लिख सकता हूं ठीक है तो अगर आप Cu को ढूंढोगे ओके okay, Cu यहां पे है सी यू कहां है सी यू यहां है और इसकी वैल्यू कहां है इसके बगल में दी हुई है ठीक है तो इसका अगर मैं लिखूंगा रिडक्शन पोटेंशियल तो ये क्या हो जाएगा बच्चे जीरो पॉइंट वैल्यू छूट गई ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट थ्री फोर ठीक है तो ये आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा जीरो पॉइंट थ्री फोर अब अगर आप बात करते हो एजी तो ऑक्सीडेशन में जाएगा एजी किस में जाएगा ऑक्सीडेशन में जाएगा ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन अब इसको जो पोटेंशियल आएगा तो वो तो आएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाएगा आपका अपोजिट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल राइट एवरीवन? अपोजिट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल अगर बात करते हो तो देखो ए जी वाला रिएक्शन ढूंढते हैं अगर मैं ए जी वाला रिएक्शन का ढूंढता हूं ए जी ओ जी लो जी, जी. ठीक है तो यहां पर आपका ए जी वाला मिल गया ठीक है अब देखो बच्चों टेबल में क्या दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ठीक तो है तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जब लिखोगे तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा यहां पे एक मिनट हां एजी एजी के सामने दिया है 0.77 पिछले बार मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया था लगता है ठीक है तो ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा तो ये जो टेबल है भाई टेबल पे थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह थोड़ा सा जूम कर दिया हुआ है तो ठीक है कोई इश्यू नहीं है तो यहां पे आप ले सकते हो यहां पे 0.77 ले सकते हैं हम लोग तो ये जो वैल्यू रहेगा यहां पे मैंने 0.8 लिखा था बट ये क्या रहेगा टेबल के हिसाब से ठीक है चलिए वो अभी एडिट नहीं हो सकता है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ठीक है तो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो 0. का दिया है 77 दिया हुआ है तो इसको ले लेंगे तो हम लोग का देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस -0.77 वोल्ट क्लियर है तो ये चीजें आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा ठीक है थीके? अभी जैसे मैं दूसरा एक ले लेता हूं आपके पास दे दिया Zn एंड दूसरा दे दिया निकेल प्लस ठीक है तो अब सीधा समझ में आता है कि जेड का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है तो एक इसमें जाएगा आपका जीरो है इसका क्या है प्लस टू है तो आपके जेड के दो फॉर्म होते हैं एक होता है प्लस टू फॉर्म एक होता है जीरो अब जीरो फॉर्म है तो एक इसमें जाएगा आपका ऑक्सीडेशन में ठीक है और एक इसमें जाएगा रिडक्शन ठीक है एक इसमें जाएगा आपका ऑक्सीडेशन में और यहां पे क्या जाएगा रिडक्शन में तो ये सब चीजें अपने को यहां पे ध्यान में रखना रहेगा ये भाई ऑक्सीडेशन हो गया ये रिडक्शन हो गया ठीक है तो अब अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन का तो यहां पे क्या हो जाएगा जेड एन ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो इसका जो रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा जेड एन गिवर्ड जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इसका अगर मैं लिखूंगा ई जीरो ऑक्सीडेशन ये जो ई जीरो जेड एन रहेगा भाई ई जीरो जेड एन रहेगा ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ई जीरो रिडक्शन तो अब जेड एन का देखते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है जेड एन जेड एन जेड एन जेड एन का रिडक्शन पोटेंशियल अगर बच्चों में देखता हूं तो ये देखिए ठीक है जेड एन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है जीरो पॉइंट थोड़ा टेबल जूम ज्यादा हो गया तो इसमें गड़बड़ हो सकता है तो जीरो पॉइंट एट एक मिनट ना नीचे से लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो माइनस जीरो पॉइंट एट थ्री दिया हुआ है है ठीक तो माइनस जीरो पॉइंट एट थ्री दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस जीरो पॉइंट एट थ्री ठीक है माइनस जीरो पॉइंट एट थ्री अगर करोगे तो यह क्या हो जाएगा आपका वेट थ्री क्लियर बच्चों और पे तो ये तो सॉर्टेड तो भाई रिडक्शन में ही जाएगा तो इट विल गेन टू इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड तो अब देखो चीजें तो सीख लिया सर अभी इसमें अलग क्या करना है तो देखो बच्चो E0 जीरो ऑक्सीडेशन देखिए आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बात हो गया लेकिन अगर आप E0 सेल का बात करते हो तो ये हो जाता है हमारा E0 जीरो ऑक्सीडेशन प्लस ठीक है तो अब ऑक्सीडेशन का बात करते हैं तो ये हो गया आपका प्लस जीरो पॉइंट एट थ्री और यहां पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव ओके तो जब आप दोनों को डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा थर्टीन माइनस फाइव थर्टीन माइनस फाइव क्या हो जाएगा एट और सेवन माइनस टू क्या हो गया हम लोग का फाइव तो ये हो जाएगा प्लस जीरो पॉइंट फाइव एट वोल्ट तो अगर ये पॉजिटिव आएगा अगर आपका ई जीरो सेल क्या आया पॉजिटिव तो समझना रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस ठीक है रिएक्शन क्या है आपका स्पॉन्टेनियस क्लियर एवरी वन और अगर ये निगेटिव आया तो ये क्या रहेगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस क्लियर एवरी वन तो ये सब चीजें आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा अगेन यहां पे भी अगर आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा ई जीरो सेल ई जीरो सेल क्या हो जाएगा ई जीरो ऑक्सीडेशन प्लस ई जीरो रिडक्शन और अगर यहां पे पॉजिटिव आया तो किस में जाएगा आपका ऑक्सीडेशन में जाएगा अदरवाइज नहीं अभी देखो यहां पे वैल्यू कितना हो गया ऑक्सीडेशन की वैल्यू है माइनस रिडक्शन की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट थ्री फोर अब दोनों को जब आप एड करते हो तो यहां पर आ जाता है आपका थ्री और यहां पर आ जाता है फोर और ये वैल्यू किस में आ रहा है आपका निगेटिव तो क्या रहेगा आपका द रिएक्शन ियस स्पॉन्टेनियस -spontaneous. Spontaneous का मतलब क्या रहेगा पॉसिबल रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या रहेगा इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो चलिए अब इसके आगे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे ये सब चीजें आपका क्लियर हो जाएगा ओके okay, एवरीवन तो चलो बच्चों अभी जो हमने सीखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह उससे सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा रहेगा दैट हैव मोर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन जिसका कम रहेगा दैट हैव मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन ठीक है और फिर आपको मैंने ये भी बताया कैसे स्पेसिस को आइडेंटिफाई करते हैं कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा और कौन रिडक्शन में जाएगा तो अब चलिए इस तरह से हम लोग आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं अब देखो बच्चों अगर आप बात करते हो पहले क्वेश्चन का ठीक है तो यहां पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है एफ पी प्लस थ्री आई माइनस तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये अपना रहेगा कि नहीं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ठीक है अब आपको पता है बच्चे कि Fe के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं मोस्टली एक होता है प्लस टू और एक प्लस थ्री ठीक है प्लस टू और एफ का तो बहुत रेयर चांसेस रहता है बट मोस्टली क्या रहता है एफ पी प्लस टू एंड एफ +3 प्लस थ्री अब एफ +2 प्लस टू और एफ +3 प्लस थ्री में देखते हो तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका है प्लस थ्री का है अगर प्लस थ्री का है तो इट विल अंडरगो व्हाट रिडक्शन ये तो भाई सॉर्टेड है अब बात करते हैं आयोडीन का तो आयोडीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म आई टू और आई माइनस अगर आई टू का बात करते हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आई माइनस से तो ज्यादा है ना तो आई माइनस का कम है तो इट विल अंडर गो वॉट ऑक्सीडेशन ठीक है बच्चों तो अब अगर रिडक्शन में जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा एफ प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन यू एफ प्लस टू इसके केस में तो सॉर्टेड है क्योंकि इसका ई जीरो रिडक्शन जो रहेगा इट इज इक्वल टू ई जीरो वैल्यू जो भी दी रहेगी ठीक है ठीके? और अगर आप आयोडीन का बात करते हो तो आयोडीन इज ऑक्सीडेशन तो इट विल बी इन टू आई माइनसू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है और इसका आ जाएगा ई जीरो ऑक्सीडेशन और बच्चों मैंने तुमसे क्या कहा था कि रेडॉक्स का जो पोटेंशियल वाला दिया है टेबल ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले जो टेबल दिया है इट इज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन चाहिए रहेगा तो ये माइनस में देखते हैं तो एफ प्लस थ्री मेरा यहाँ पे है दट इज जीरो पॉइंट सेवन सेवन और आयोडीन का बात करते हो तो यहाँ पे है दट इज जीरो पॉइंट फाइव फोर ठीक है अब ध्यान में क्या रखना बच्चा की ये जो पोटेंशियल दिया है इट इज गिवेन इन टर्म्स ऑफ वॉट रिडक्शन पोटेंशियल तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो साइन हो जाएगा इसका माइनस तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हो बच्चे तो ये तो हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल सॉर्टेड है दैट इज क्या वैल्यू दिया है I, क्या वैल्यू दिया है एफ का एफ का इट इज वॉट जीरो पॉइंट सेवन सेवन तो ये हो जाएगा प्लस जीरो पॉइंट सेवन सेवन ठीक है और यहां पे अगर बात करेंगे तो माइनस में लेना है माइनस में वैल्यू क्या लोगे आप फिफ्टी फोर ठीक है तो ये हो जाएगा पॉइंट फाइव फोर का अपोजिट क्लियर बच्चों तो इस वे से लेना रहेगा क्योंकि आपका पोटेंशियल दिया वापस से मैं बोलता हूं बच्चों क्या करना है पहले दो स्पीसीज दिया रहेगा दोनों में से पहचानो कि किसका लोवेस्ट फॉर्म में है एक्चुअल वाले अपने में से और कौन हाईएस्ट में तो जो लोवेस्ट में रहेगा वो ऑक्सीडेशन में जाएगा दो हाईएस्ट में रहेगा रिडक्शन में जाएगा फिर जो आपके पास टेबल है रिफर करो इट इज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन तो जो रिडक्शन में जा रहा है उसके लिए तो टेंशन ही नहीं है जो रिडक्शन में जा रहा है उसके लिए तो टेंशन डायरेक्टली वैल्यू लेना है लेकिन अगर ऑक्सीडेशन का बात करते हो साइन विल बिकम व्हाट अपोजिट तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन ए हो गया आपका टू तो अब इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बच्चे हमने वन इंटू टू कर देना है प्लस टू करना है. तो अब क्या हो जाएगा हमारा एफी प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू वर्ड एफ प्लस टू ठीक है और यहां पे हो जाएगा E0 जीरो रिडक्शन का वैल्यू दैट इज प्लस जीरो पॉइंट सेवन सेवन ठीक है और अगर आयोडीन का बात करोगे तो यहां पे देखिए मल्टीप्लाई किया तो टू 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 ठीक है अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई किया कि, वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी बच्चों वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी क्यों वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी बिकॉज वैल्यू जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है अब बात आती है कि सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है तो देखिए भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर वाटर का अगर बात करते हो बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आप पांच लो दस एम लो पचास लो या फिर थाउजेंड लीटर लो द बॉइलिंग पॉइंट विल रिमेन सेम ठीक है द बॉइलिंग पॉइंट विल रिमेन सेम और काम अपना हो जाता है तो वैसे ही क्वांटिटी के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम वे ए वैल्यू चेंज नहीं होता इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है अब आपका जो रिएक्शन है ठीक है रिएक्शन क्या रहेगा आपका टू आई माइनस यू जी आई टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है और इसका ई जीरो ऑक्सीडेशन जीरो ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या हो गया आपका ठीक है जब दोनों आप एड करोगे ठीक है जब दोनों आप एड करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल क्यों कैंसल क्योंकि वहां का प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और आपके पास जो इक्वेशन बनेगा बच्चों वो रहेगा और E0 जीरो सेल जो रहेगा वो हो जाएगा क्या हमारा प्लस 0.23 पॉइंट टू थ्री वोल्ट क्लियर है बच्चों तो अब ध्यान में क्या रखना है सिंस E0 जीरो सेल पॉजिटिव द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और बोल सकते हो पॉसिबल और फिजिबल ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा तो एकदम सिंपल सा है बच्चे क्या करना है पहले आपके पास जो स्पीसी दिया रहेगा उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि, कि भाई ये ऑक्सीडेशन में जाएगा कि रिडक्शन में जाएगा अगर रिडक्शन में जाएगा तो रिडक्शन रिएक्शन लिखना है और उसका पोटेंशियल एग्जेक्टली exactly अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बराबर हो जाएगा और अगर आपका ऑक्सीडेशन में जाएगा तो रिएक्शन को ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखना है फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हो जाएगा, हो जाएगा, जाएगा अपोजिट और साइन चेंज हो जाएगा फिर दोनों को ऐड करोगे कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आप इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू नहीं ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजी प्लस एन सी यू ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चे एजी प्लस एंड सीयू ठीक है तो अब ए जी प्लस क्या हो जाता है हम लोग का आपको पता है कि ए जी के दो फॉर्म रहेंगे ए जी प्लस ए जी तो ये जाएगा बच्चे किस में रिडक्शन में और आपका सी यू किस में जाएगा ऑक्सीडेशन में अगर आपने एक भी ढंग से पहचान लिया तो दूसरा अपने आप काम आसान हो जाता है ठीक है तो अब देखो बच्चों अगर मैं बात करता हूं ए जी प्लस रिडक्शन में जाएगा तो ये हो जाएगा ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव ए जी ठीक है और इसका E0 जीरो डिडक्शन क्या हो जाएगा इक्वल टू E0 जीरो एजी ओके इक्वल टू E0 जीरो ए जी अब क्या हो जाएगा हमारा Cu यू विल गिव सी यू प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन और यहां पे क्या हो जाएगा E0 जीरो ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू वॉट ई जीरो सी ओके ई जीरो सी अब ई जीरो सी हो गया है? यहां पे ई जीरो सी यू ई जीरो सी यू मतलब यहां पे अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन का बच्चे तो ये ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या हो जाएगा माइनस में min. या फिर ज्यादा स्पेसिफिक करते हैं जैसे मैंने बच्चे पहले बताया था उसी फॉर्मेट में रखते तो ये ई e जीरो के बराबर हो जाएगा और ये जो सी यू का ई जीरो वैल्यू दिया रहेगा उसका निगेटिव के बराबर होगा ठीक है तो चलिए वैल्यू देखते हैं तो अगर मैं बात करता हूं ए जी का ठीक है ए जी का अगर मैं बात करता हूं तो ए जी का क्या हो जाएगा ए रिएक्शन ठीक है ए वाला है ए जी का ओके okay? और अगर मैं सी यू का बात करता हूं सी यू सी यू सी यू ठीक है तो आई के नीचे ए वाला आ जाएगा आपका सीयू ठीक है आई के नीचे दो के बाद सी यू है तो सी यू हो जाएगा ठीक है अब देखो बच्चों ए जी का तो क्लियर है ए क्या हो जाएगा आपका प्लस जीरो पॉइंट एट जीरो वोल्ट ठीक है और अगर आप बात करते हो सी यू का सी तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा सी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर दिया है और ए अगर आपका जा रहा है ऑक्सीडेशन में तो ए क्या हो जाएगा आपका माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट क्लियर बच्चो माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट क्योंकि जो पोटेंशियल दिया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन उसको अगर ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना है तो साइन ऐसे हो जाएगा ठीक है अब देखिए इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है A हो गया आपका इक्वेशन वन ए हो गया टू तो क्या हो जाएगा one into two plus two. ठीक है A हो जाएगा आपका क्या जी ओके okay, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई जीरो रिडक्शन इज इक्वल टू प्लस जीरो पॉइंट एट जीरो वोल्ट ओके और कॉपर का क्या हो जाएगा सी यू गिव यू वोट सी यू प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन और इसका E0 जीरो ऑक्सीडेशन माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट क्लियर एवरी वन चीज आपको ध्यान में रखना है और जब आप दोनों ऐड करोगे ठीक है दोनों ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा टू ए जी प्लस प्लस सी यू गिव यू टू ए जी प्लस सी यू प्लस टू और E0 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे E0 जीरो सेल इज इक्वल टू प्लस जीरो पॉइंट फोर सिक्स वोल्ट ठीक है अब ई जीरो सेल क्या आया बच्चे पॉजिटिव ठीक है देर फोर द रिएक्शन इज इज स्पॉन्टेनियस एकदम सॉर्टेड है ठीक है द रिएक्शन इज वॉट स्पॉन्टेनियस ठीक है ओके okay, तो वापस एक बार बताता हूं बच्चों क्या करना है पहले आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में जाएगा फिर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम रहता है अपने एक्चुअली वाले कंपैरिजन जैसे एजी को कंपेयर करोगे तो एजी प्लस एजी करोगे सी यू लोगे तो सी यू प्लस टू एंड सी यू लोगे तो एक क्या जाएगा रिडक्शन में जाएगा ऑक्सीडेशन में रिडक्शन को एज इट इज लिखना है और उसका पोटेंशियल जो सीरीज में बराबर रहेगा और अगर ऑक्सीडेशन का बात करते हैं तो उसका अपोजिट हो जाएगा फिर दोनों को एड करोगे विल गेट द आंसर ठीक है चलिए बढ़िया है अब अगला करते हैं सी सी <coughs> करते हैं एफ पी प्लस थ्री एंड सी यू एफ पी प्लस थ्री एंड सी यू ठीक है तो अब आपको पता है कि इसमें जाएगा रिडक्शन में और एक इसमें जाएगा ऑक्सीडेशन में ठीक है तो अब क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन में जाएगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा एफ प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन यूज यू एफ प्लस टू ठीक है और इसकी ई जीरो वैल्यू दी है E0 वैल्यू क्या हो जाएगी ए है ई जीरो रिडक्शन इज इक्वल टू वॉट ई जीरो ठीक है और अगर आप कॉपर का बात करते हो तो कॉपर ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका सी यू प्लस टू प्लस इलेक्ट्रॉन ठीक है और ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो भाई ऑक्सीडेशन का साइन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई जीरो ठीक है और माइनस ऑफ ई जीरो मतलब क्या हो जाएगा अगर आप Fe का बात करते हो तो वैल्यू क्या दिया है जीरो पॉइंट सेवन सेवन ठीक है तो ये हो जाएगा आपका प्लस ठीक है और अगर आप कॉपर का बात करते हैं तो कॉपर क्या हो जाएगा हम लोग का कॉपर कॉपर माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर हो जाएगा ठीक है अब अगेन बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि ये इक्वेशन वन है ये है टू है तो ये क्या हो जाएगा वन इंटू टू प्लस टू अगेन द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइंग रिडक्शन पोटेंशियल विल रिमेन सेम तो ये क्या हो जाएगा हमारा टू एफ प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिवज यू टू एफ प्लस टू ओके और यहां पर जो इसका पोटेंशियल दिया है वो लिख लेना है इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा प्लस जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट ठीक है अब कॉपर का बात करते हो तो कॉपर सी यू प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन और ए हो जाएगा क्या हमारा E0 जीरो ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट अब दोनों को जब आप ऐड करोगे दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल और रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका टू एफ प्लस थ्री प्लस सी यू गिव यू वॉट टू एफी प्लस टू प्लस टू और यहां पे ई जीरो आ जाएगा आपका प्लस जीरो पॉइंट फोर थ्री वोल्ट ठीक है तो अगेन ई जीरो सेल क्या हो गया आपका प्लस जीरो पॉइंट फोर थ्री वोल्ट द रिएक्शन इज ठीक है द रिएक्शन इज वॉट स्पॉन्टेनियस क्लियर है एवरीवान ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना रहेगा रिएक्शन क्या रहेगा आपका स्पॉन्टेनियस क्लियर है तो एकदम सिंपल से अगर समझो आपका ई जीरो सेल निगेटिव आ गया किसी परिस्थितियों में अगर अगर निगेटिव आ गया तो समझ के चलना क्या रहेगा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब पॉसिबल नहीं है ठीक है यही नहीं बच्चों अगर आप एक और चीज बोलते हो कि सर कैसे एनोड कैथोड है तो उसको एज अ कैथोड यूज करेंगे क्योंकि कैथोड क्या होता है लाल बिल्ली रेड कैट ठीक है और जिसका पोटेंशियल कम रहेगा उसको एज अ एनोड यूज करेंगे क्योंकि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सी ठीक है तो अब इसके बाद आपके पास डी और ई है डी और ई को आप सॉल्व कीजिए और आंसर इसका आपको देना है कमेंट बॉक्स में ठीक है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है बच्चे बड़े आलसी हो गए हैं तो थोड़ा एक्टिव रह के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि सर ए वाला आंसर है और डेफिनेटली उससे समझ में आएगा कि आपने सिर्फ वीडियो देखा नहीं है ट्राई भी किया क्लियर बच्चों क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट ठीक है अब... okay, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों अरेन्ज अरेन्ज द फॉलोइंग इन ऑर्डर विच दे डिसप्लेस ईच अदर ठीक है बच्चों तो इसके लिए जो मैंने गुरु हैक दिया था उसको भी आप यूज कर सकते हो दैट इज वॉट द मेटल विथ हाई वैल्यू ऑफ ई जीरो कैन डिसप्लेस द मेटल विथ लो वैल्यू ऑफ इजीरो ठीक है तो क्या ध्यान में रखना रहेगा द मेटल विथ हाई वैल्यू ऑफ इीरोन डिसप्लेस द मेटल विथ लो वैल्यू ऑफ इ जीरो या फिर इतना झंझट करने से अच्छा है सबसे बेस्ट क्या है कि हम लोग अपना रिएक्टिविटी सीरीज दैट इज कटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी फिर भी क्यू मिली सिल्वर ऑडी ठीक है तो अब देखोगे बच्चों तो यहां पे हमारे जो मेटल यूज हुए हैं वो कौन कौन से यूज हुए क्वेश्चन में एम जी एल जेड एन कॉपर तो डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो ऊपर वाले मेटल वेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप दे कैन डिस्प्लेस द डाउनवर्ड मेटल तो इसलिए आपका क्या रहेगा मेटल डिस्प्लेसमेंट सीक्वेंस मेटल डिसप्लेसमेंट सिक्वेंस तो इसके हिसाब से क्या रहेगा एम जी कैन डिसप्लेस ए एल कैन डिसन डिस एफ कैन डिसप्लेस कॉपर ठीक है बच्चो तो पोटेंशियल के हिसाब से देखोगे तो ये सब एक दूसरे को डिसप्लेस कर सकते हैं या फिर आप टेबल के हिसाब से जाओ ओके तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना रहेगा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही शॉर्टेड है बच्चे अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये देखिए वैल्यू दी है ठीक है ये दिया हुआ है पूछा है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग पावर तो अब बच्चों इसके लिए जो मैंने पॉइंट बोला था क्या था हाई वैल्यू ऑफ इीरो मोर इज द टेंडेंसी टू अंडर गो मोर इज द टेंडेंसी टू अंडरगो अंडरगो रिडक्शन रिडक्शन स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट ठीक है स्ट्रांगर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे लो वैल्यू ऑफ इजीरो ठीक है लेस इज द टेंडेंसी ठीक है लो वैल्यू लेस इज द टेंडेंसी टू अंडर गो रिडक्शन बोल सकते हो या फिर बोल क्या सकते हो लो वैल्यू ऑफ इ जीरो मोर इज द टेंडेंसी मोर इज द टेंडेंसी टू अंडरगो मोर इज अ टेंडेंसी टू अंडर गो ऑक्सीडेशन स्ट्रॉगर इज द रिड्यूसिंग एजेंट इज द रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है स्ट्रॉगर इज द रिड्यूसिंग एजेंट ओके तो लो वैल्यू ऑफ इजीरो मोर इज द टेंडेंसी टू अंडर गो रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्ट्रोंगर इज द रिड्यूसिंग एजेंट तो अब बच्चे अपने को जो काम है इस चीज का है। ठीक है इस चीज का जितना वैल्यू लो रहेगा उतना ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन में जाएगा स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ठीक है तो अब इसके हिसाब से अगर मैं स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट का बात करता हूं तो सबसे छोटा वैल्यू किसका है के का है ठीक है उसके बाद किसका है एम का उसके बाद किसका है क्रोमियम का उसके बाद किसका है एच का और उसके बाद एजी का ओके okay? तो अगर आप सीक्वेंस का बात करते हो तो के ठीक है के ओके okay, ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारा के इज द स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट देन एम जी इज स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्रोमियम इज स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट देन एच डी इज स्ट्रांगर एजेंट देन एजी तो दिस विल बी योर सीक्वेंस

Download the app now.